तो वेलकम बैक गाइस। तो यार आ गए हैं आज हम दोनों भाई फिर से आपके सामने। लेकिन आज का जो है हम दोनों में कोई चैलेंज नहीं है, बस खाली हम आज जो है मकबन वीडियो शूट करेंगे। तो यार आज जो है पूरा होममेड फिश है हमारे पास, छोटी वाली फिश है। फिश की शक्ल मैं आपको अगर दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप की हो रही है, ठीक है। कैसे दिखाऊँ, वैसे बहुत चटपटी है ये, नॉर्मल साइज की होती है ना फिश, वो है दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, इसकी ग्रेवी देखो आप कितनी सही हो रही है ना, देख के मुँह में जो है ना ग्रेवी से हो रही है, कब खाऊँ। और इस साइड में मैंने ले रखा है थोड़े से सलाद, ठीक है। यहाँ पे जो है देख सकते हो सलाद है, और यहाँ पर थोड़ा सलाद है मेरे पास, और बीच में यहाँ पर हमने रोटी ले रखी है, और थोड़े से रोटी हमने यहाँ पर ले रखी है, और यहाँ पर हमारे पास ना चावल। तो यार बिना देरी किए करते हैं अपने इस मुकबैन को स्टार्ट, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी हम दोनों मेरे को, है ना, लग रही है ना। तो स्टार्ट कर दी एंड एंजॉय। क्या चल रोटी के साथ, देखते हैं क्या क्या होगा। एक्चुअली बात ये है कि मेरे घर में सभी को जो है तीखा खाना बहुत पसंद है, एक मेरे पापा को छोड़ कर, पहले वो भी खाते थे बट अब उनको जो है प्रॉब्लम हो जाती है चक्कर में। मेरे ख्याल से यार जो नॉनवेज चीज़ है ना, अगर तीखी ना बनाओ तो खाने में मज़ा ही नहीं आता। बहुत ज़्यादा सही हो रहा है। वैसे मैं इसके बाद जो चावल भी टूटने वाला हूँ।
लिटरली बताऊंगा कैसे है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कुछ खाने में। चावल तो मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम। रोटी नहीं भी तो पता चलेगा, पर चावल उसके बिना नहीं। जब कोई स्वादिष्ट चीज खाऊंगा ये पेट चाहे भर जाए
तो यार करते हैं अब अपना वीडियो यहीं पे एंड, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे चैलेंजिंग होगी या फिर मनमैन होगा, तो आप जो है चैनल से जुड़ लीजिए और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो जब तक के लिए बाय बाय।